सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं फिल्मी अड्डा। मैं प्रियंका लेकर आ गई हूँ आपका स्पेशल प्रोग्राम। स्पेशल इसलिए क्योंकि भाई हम जिक्र करने वाले हैं कि स्पेशल फिल्म के, जी हाँ, 25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से धमाल मचेगा। खासकर महाराष्ट्र में देखा जाए तो लोगों की धड़कनें बहुत ज्यादा ही तेज होंगी, क्योंकि भाई उनकी जो फिल्म रिलीज हो रही है, उनके खास व्यक्ति पर आधारित फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम है, बिल्कुल आप लोगों को इस फिल्म के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बखूबी सब जानते हैं। बाल ठाकरे जी के जीवन पर आधारित बन रही है ये फिल्म, जिसमें सब तमाम अलग अलग तरह के किरदार निभाए जा रहे हैं। किस तरह से बाल ठाकरे ने अपने जीवन की शुरुआत की थी, क्या सोचकर उन्होंने ठाकरे देखा जाए शिवसेना का उन्होंने संगठन का शुरुआत किया था उन्होंने, और तमाम अलग अलग किस तरह से उन्होंने अपने मंजिल को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जहां आज वो देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं भगवान की तरह पूछते हैं। कितना कठिन रहा था उनका सफर, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, ये तो खैर 3 घंटे की फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि 25 जनवरी को देखने के लिए मिलेगा बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन फिलहाल के लिए हम आपके लिए जानकारी जो लेकर आए हैं वो इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है। इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो चुका है, जहां पर बाल ठाकरे के जो बेटे हैं वो राज ठाकरे पहुंचे थे। साथ ही इस फिल्म की हीरोइन अमृता राव, जो कि इस फिल्म में जो है वो उनकी बाल ठाकरे जी की पत्नी का किरदार निभा रही है, मीरा ताई जी का किरदार निभा रही है, और तमाम सितारे मौजूद हुए थे, जो फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और जो बाकी की टीम है वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हुए थे। लेकिन उनके बेटे यानी कि राज ठाकरे जी का क्या कुछ कहा कहना रहा इस समय पर, चलिए दिखाते हैं इस वीडियो के जरिए। अब मैं सामने, अब मैं, बैठ, यहाँ बार देखो,
This side? Sir Senapati Balasaheb Thackeray! Jinda! सर उद्धव जी, अब जो गाना हम लॉन्च करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल सॉन्ग रहा है क्योंकि आप थे जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था एंड बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स थे आपके लिए. सर तुम्हारा काय बोलायचं आहे याच्यावर? सर दोन शब्द. सर्वांना जय महाराष्ट्र. मगासपासून तुम्हाला प्रतिसादाची जी एक अपेक्षा आहे तो असा चार भिंतीत नाही मिळणार. कारण बाळासाहेब हे व्यक्तिमत्व चार भिंतीतलं नव्हतं, ते मैदानातलं होतं. त्याच्यामुळे तो जर आवाज ऐकायचा असेल तर मैदानात आलं पाहिजे, मैदानात उतरलं पाहिजे. या गाण्याबद्दलच्या आठवणी सांगायच्या तर एखाद्या व्यक्तीबद्दल आपण असं म्हणतो की मोठी व्यक्ती असते आणि मग कोणाला तरी विचारलं जातं की तुमचं काय मत आहे त्यांच्याबद्दल, मग ती सांगते की लहानपणी मी जेव्हा पाहिलं होतं तेव्हाच ओळखलं होतं की हे मोठे झाल्यावरती काहीतरी होणार. बाळाचे पाय मी पाळण्यातच ओळखले होते. तसंच या गाण्यांबद्दल आहे. कारण या गाण्याबद्दल सुरुवातीला संजय तू आला होतास शिवसेना भवनमध्ये, त्यांनी चोरून ऐकवलं होतं गाणं मला मोबाईलवरती. कारण तेव्हा शब्द लिहिले गेले होते, त्याच्यावरती थोडीशी चाल रचली जात होती आणि ते ऐकल्यानंतर मी संजयला म्हटले की संजय हे गाणं इतिहास घडवणार. आता मला उत्सुकता आहे की त्यावेळेला जे एक लहान बाळ मी बघितलं होतं ते आता मोठं झाल्यावरती त्यांनी किती तो आता कर्तृत्वाची शिखरं पार करेल त्याची मला एक उत्सुकता आहे. आणि स्टुडिओमध्ये जेव्हा आम्ही गेलो होतो रेकॉर्डिंग चाललं होतं, रोहन त्याच्यानंतर आपले नताश, हे सगळेच म्हणजे ते एक भारवलेलं वातावरण होतं. थोडंसं मी म्हणजे मला नेहमी भान ठेवावं लागतं, नाहीतर मी सुद्धा सगळ्यांबरोबर तेव्हाही नाचलो असतो. कारण स्वतः गायक सुद्धा नताश आप भी एन्जॉय कर रहे थे, आप गाणं नाही गा रहे थे, आप एन्जॉय कर रहे थे. आणि मला असं वाटतं की ज्या वेळेला सगळ्या गोष्टी एकत्र येतात, जी गोष्ट आपण करू इच्छित असतो ती नुसती शब्द नसतात, नुसती चाल नसते, नुसतं ते एक गायलेलं गाणं नसतं, ते सगळे एकत्रित जेव्हा होतं, सूर ताल लय शब्द, तेव्हा त्यातनं पाहिजे असलेल्या भावना ह्या व्यक्त होतात. आणि मला असं वाटतं की त्या गाण्यामध्ये पुरेपूर झालेल्या आहेत. सर्वांप्रमाणे मी सुद्धा उत्सुक आहे ते गाणं ऐकायला. हम बहुत अभी उत्सुक है इस गाने के लॉन्च के लिए, लेकिन जस्ट हम एक एक सवाल आपसे करेंगे. नमाज भाई बहुत बड़ा रोल है ये, मतलब जब हमने ट्रेलर देखा तो बोलते ना कि गूजबम्स मोमेंट हो जाता है कि भाई ये आप हर किरदार को मतलब निगल जाते हैं, इतनी अच्छी तरह से आप कर लेते हैं रोल को. प्रेशर था इस रोल के पहले? जी हाँ, बहुत बड़ा प्रेशर था. और आई थिंक एक महीने तक तो मैं अपने आप में ही नहीं था ऐसा कि मैं बहुत ही नर्वसनेस बहुत थी कि मैं कैसे कर पाऊँ, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और किस तरीके से होगा क्या होगा. बट जितनी भी मुश्किलें थी वो धीरे धीरे आसान होती चली गई बिकॉज ऑफ माई डायरेक्टर, बिकॉज ऑफ माई प्रोड्यूसर जो हमारे क्योंकि इतनी डिटेल थी उनके पास, संजय सर के पास, तो काफ़ी डिस्कशंस हुए उसके बाद. काफ़ी मैंने देखा उनको, इतना देखा मैंने कि शायद मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को नहीं देखा होगा इतना. तो धीरे धीरे होता चला गया, कोशिश की है, लेट्स सी देखते हैं क्या. सर कोशिश मतलब आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एंड फिल्म बहुत ही अच्छी लग रही है. सो आई थिंक एक बार जोर से ताड़े होनी चाहिए हमारे नवाज भाई के लिए. अमिताभ वेलकम बैक एंड वी आर सो एक्साइटेड टू सी यू ऑन द बिग स्क्रीन. बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस फिल्म में देख के. आपका किरदार, आपका रोल जो है, ये मैं आपको सबसे ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि आपका रोल क्या है, आप क्या है, मैं बस इतना कहूंगा कि हाउ इज योर जर्नी बीन थ्रू दिस फिल्म, आपके लिए कैसे रही इस फिल्म में आपका पूरा एक्सपीरियंस? श्योर ग्लेन, सगळ्यांना नमस्कार. मला आई एम वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली कि इस फिल्म के जरिए इतने बड़े शख्स, इतने इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ जुड़ने का मौका मिला.
एक तरह से उनके ज़िंदगी जीने का मौका मिला और ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी था क्योंकि पहली बार मैं एक ऐसे किरदार को निभा रही हूँ इस फिल्म में जो एक रियल लाइफ पर्सनालिटी पे है, कोई फिक्टिशियस रोल नहीं है और मैं कुछ समय के बाद पर्दे पर आ रही हूँ. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को ये ना लगे कि अरे ये तो अमृता राव है. यही मेरे लिए एक चैलेंज था क्योंकि मीना ताई जी जो है उनके बारे में कोई भी ना कोई वीडियो है ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. बट आई थिंक संजय राउत जी ने बहुत मदद की वहाँ पे एंड द होल टीम वॉज वेरी काइंड. दे गेव मी एज मच ऑफ रेफरेंस एज दे कुड. सो आई रियली होप आई But we are very happy that really you know aap is kirdar mein hai and we're looking forward to see you on screen and the film. Thank you so much. Thank you so much. And without any further due, it's now time ki hum gaane ko launch kare. Please taaliyon ke sath is gaane ko hum launch karenge. The song IRA. Ladies and gentlemen, please thodi taaliyan honi chahiye, enthusiasm honi chahiye, seatiyan honi chahiye. Pehla gaana aaj ka hum yahan par launch kar rahe hain. तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से फिल्म की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो रही है और मैं बिल्कुल भी ये कहने से पीछे नहीं हूं कि बाल ठाकरे जब फिल्म रिलीज हो रही कई लोग अपनी फिल्मों के साथ कदम पीछे ले गए क्योंकि सबका यही मानना है कि बाल ठाकरे जी का जो जीवन था वो बहुत संघर्ष पूर्वक रहा था और यही कारण है कि आज उनकी फिल्म को स्वतंत्रता पूर्वक हर जगह पर रिलीज करने के लिए कह सकते हैं उनको परमिशन दे दिया गया है. लेकिन अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना चलती है, क्या मुंबई में कमाल करेगी या पूरे देश में बाल ठाकरे जी का एक बार फिर से नाम गूंजेगा उनके ना रहने के बाबर जरूर. फिलहाल दोस्तों आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत. लेकिन हाँ, हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें. नमस्कार.